वैसे बॉलीवुड के सुल्तान की बात की जाए तो दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी हर एक फिल्म को बहुत सिनेमाघरों में प्यार देते हैं और पूरा साल उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। दोस्तों सलमान खान की फिल्मों की लिस्ट में बहुत सी फिल्में शामिल है, चाहे फिल्म भारत हो, चाहे हो दबंग 3 और चाहे हो वांटेड 2। बड़ी फिल्मों का इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अभिनेता सलमान खान को लेकर संजय लीला भंसाली काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। बताया जा रहा था संजय लीला भंसाली सलमान खान के साथ कोई फिल्म बनाएंगे, लेकिन इस बीच जब संजय लीला भंसाली ने एक टाइटल मुंबई के राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराया इंशाल्लाह, तो लोगों को लगा कि सलमान खान के लिए वो फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है ऐसा सच में है। जी हाँ, सलमान खान और संजय लीला भंसाली एक बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जिस फिल्म में सलमान के साथ हो सकता है ऐश हमें नजर आए, क्योंकि सलमान खान और ऐश बच्चन को एक साथ देखने के लिए पूरा बॉलीवुड एक्साइटेड है। वहीं पर सलमान खान के साथ संजय लीला भंसाली काम करे इसको लेकर भी बॉलीवुड बहुत एक्साइटेड है। संजय लीला भंसाली भी बहुत दिन से कोशिश करें कि सलमान के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करें, पर बताया ऐसा जा रहा है कि सलमान खान की इंशाल्लाह का बजट 200 करोड़ के पार होगा। जी हाँ, सलमान खान की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म होगी इंशाल्लाह। आपको बताते चले, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और म्यूजिक का काम तकरीबन संजय लीला भंसाली ही करते नजर आएंगे, और संजय लीला भंसाली की हर एक फिल्म की तरह हमें इसमें भी सलमान और ऐश का जबरदस्त मुखड़ा देखने को मिल सकता है। वैसे ऐश्वर्या बच्चन इस फिल्म के लिए फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है अनुमान लगाया जा रहा है ऐश बच्चन इस फिल्म में हमें जरूर नजर आए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को धूम 4 के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में रखते थे उनके फैंस। सलमान खान के फैंस चाहते थे धूम 4 में अभिनेता सलमान को हम देखें, जहां 3 पार्ट यशराज चोपड़ा ने बहुत सक्सेसफुली बनाए हैं, वहीं पर अब इसके चौथे इंस्टॉलमेंट की तैयारी हो रही है और सालों से चर्चा हो रही है कि इस फिल्म में सलमान या शाहरुख या अक्षय या फिर टाइगर श्रॉफ किसे रखा जाए। लेकिन आपको बता दें धूम 4 को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सलमान खान इस फिल्म में हमें शायद नजर ना आए, और इस फिल्म को बताया जा रहा है रणवीर सिंह और शाहरुख खान मिलकर बनाएंगे, यानी शाहरुख खान विलन और रणवीर सिंह होंगे हीरो। हालांकि पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि इस फिल्म में सलमान खान विलन का काम करेंगे शाहरुख खान की जगह, लेकिन पत्ता पलटता नजर आ रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इस फिल्म में हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सलमान खान जैसा बॉलीवुड में शायद ही कोई होगा जो अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा पाए। हम टाइगर श्रॉफ की बॉडी तो देखते, हम हर बात पे यही कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ की बॉडी जैसी किसी की बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपने नाम पर बॉडी का सबसे ऊपर का दर्जा हासिल किया हुआ है। लेकिन इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन को पिछाड़ कर बॉडी के नंबर 1 उस्ताद बन चुके हैं, और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिस वीडियो में वो बॉडी बनाते नजर आ रहे हैं। आप लोग खुद ही देखिए किस तरह बनाते हैं जिम में वो बॉडी। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक सीरीज, जिस सीरीज का नाम था हाउसफुल, जी हाँ हाउसफुल 3 तक साजिद नडियाडवाला बना चुके, लेकिन हाउसफुल 4 को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती थी और फाइनली इस फिल्म को भी बनाने की तैयारी खींच ली गई है। इस फिल्म के सभी स्टार कास्ट लंदन पहुंच चुके हैं, इस फिल्म का मुहूर्त तो हो चुका था लेकिन फिलहाल लंदन में इसकी शूटिंग हो रही है। आपको बताते चले अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख और फिल्म के 3 हीरो ने फिलहाल लंदन पहुंच चुकी हैं। इस फिल्म में रितेश देशमुख के साथ बॉबी देओल ने बेहतरीन काम करने का मूड बनाया है, और इस फिल्म में अक्षय कुमार बेहतरीन भूमिका निभाते नजर आएंगे, और फिलहाल इस फिल्म के गाने की शूटिंग हो रही है। गाने का नाम है मैं आई से, ये गाना काफी बेहतरीन होगा और बताया जा रहा है ये गाना बीच का होगा, जिसमें हीरोइन और हीरो परफॉर्म करते नजर आएंगे। आपको बताते चले पूरी टीम फिलहाल लंदन है, और फिलहाल फरहान अख्तर यानी फिल्म की कोरियोग्राफ भी लंदन में है। आप हमें बताएं कि इस फिल्म का आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो।
आजकल बॉलीवुड की फिल्मों के लिए 500 करोड़ कमाना आम बात है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल बॉलीवुड की फिल्में 2-2 हजार करोड़ कमाती हैं। जी हां, हाल ही में दंगल ने 2200 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया। वहीं पर बाहुबली 2 ने, जो एक साउथ की फिल्म थी, 1700 करोड़ कमाई। सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 950 करोड़ कमाए। सिगरेट सुपरस्टार ने, जिसका बजट 20 करोड़ था, उस फिल्म ने 800 करोड़ रुपए कमाए। सुल्तान, टाइगर जिंदा है, संजू जैसी फिल्मों ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं हजार हजार करोड़ कमाने वाली बॉलीवुड की 5 से 7 फिल्में। सबसे पहली फिल्म का नाम है ठग ऑफ हिंदुस्तान। जी हां, आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान। और इस फिल्म के लीड एक्टरों की बात की जाए तो आमिर खान के साथ अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, फातिमा साना शेख और रोनित रॉय जैसे बेहतरीन एक्टरों ने काम किया है। ये फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। ये फिल्म 1000 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। दूसरी फिल्म की बात की जाए तो वो है सलमान खान की टाइगर 3 दी फाइनल मिशन, जिस फिल्म में सलमान खान एक रोग के एजेंट की भूमिका निभाते फिर से नजर आएंगे। इस फिल्म की चर्चा अभी से ही सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से है। ये फिल्म भी तकरीबन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मात्रा में धूम मचाएगी और ये फिल्म तकरीबन 600 से लेकर 800 करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा सकती है। तीसरी फिल्म सलमान खान की फिल्म का नाम है भारत। जी हां, आलिया बात जफर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म भारत, जो 2019 की क्रिसमस पर रिलीज किया जाना है। आपको बता दें, इस फिल्म का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करेगी। चौथे नंबर पर फिल्म है ऋतिक रोशन की क्रिश 4, जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में की गई थी। बताया जा रहा है क्रिश 4 को 2020 की क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर, यानी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ऊपर की कमाई करेगी। शाहरुख खान की फिल्म जीरो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जीरो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो बताया जा रहा है तकरीबन इस फिल्म को 300 करोड़ से ऊपर की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिल सकती है। अब नंबर आती है टाइगर श्रॉफ के बागी 3 की, जो आएगी 2020 में। इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला ही प्रोड्यूस करेंगे और ये फिल्म भी 300 करोड़ से ऊपर का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती नजर आ सकती है। अक्षय कुमार की हाउसफुल की बात की जाए तो अक्षय कुमार की हाउसफुल भी 200 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करेगी। सलमान खान की दबंग 3 500 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और अक्षय कुमार की गोल्ड भी तकरीबन 200 करोड़ तो कमा ही सकती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी फिल्में मौजूद हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी और दो फिल्में ऐसी हैं जो 1000 करोड़ के पार जा सकती हैं। पहली फिल्म का नाम है साहू। जी हां, साहू फिल्म 1000 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। उसके बाद है फिल्म रोबोट 2.0। जी हां, जिसमें रजनीकांत के साथ अक्षय कुमार हैं। आपको बता दें, ये फिल्म बॉलीवुड के सभी इतिहास को चूर चूर कर सकती है। अब देखते हैं आखिर 2.0 कब रिलीज होती है। यूं तो अजय देवगन की फिल्मों का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अजय देवगन की कुछ बड़ी फिल्में, जिस फिल्मों के जरिए अजय देवगन बॉलीवुड में धूम मचा देंगे। जी हां, पहली फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे, जिसमें अजय देवगन के साथ तब्बू, जिमी शेरगिल नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ है और ये फिल्म 2018 के अंतिम में शुरू हो सकती है। और हाल ही में टोटल धमाल अजय देवगन ने साइन की, जिसे बना रहे हैं इंद्र कुमार। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित नजर आएंगी। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी जो दर्शकों को खूब पसंद आएगी और इस फिल्म का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को 7 दिसंबर 2018 को रिलीज किया जाने वाला है। उसके बाद 2020 में अजय देवगन की एक फिल्म आएगी 25 दिसंबर को, जिसका नाम है लव रंजन, जिसमें अजय देवगन और कपूर हमें नजर आएंगे। आपको बताते चलिए, ये फिल्म 2020 में रिलीज होनी है। इस फिल्म की शूटिंग 2019 में होगी। उसके बाद पांचवे नंबर पर फिल्म है तानाजी। जी हां, तानाजी की बात की जाए 2019 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का बजट 120 करोड़ है और आपको बताते चलिए, ये फिल्म बॉलीवुड का इतिहास बदलने के लिए तैयार है और आ रही है। और हाल ही में अजय देवगन की लाइफ में एक और फिल्म जुड़ गई है। फिल्म का नाम है चाणक्य, जिसमें अजय देवगन को रखा जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्टर है नीरज पांडे। उसके बाद अजय देवगन एक बायोपिक में भी नजर आएंगे। जी हां, फिल्म का नाम है सैयद अब्दुल रहीम, जो कि एक फुटबॉलर था और इस फिल्म में अजय देवगन को कास्ट कर लिया जा चुका है। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे अमित शर्मा। अब देखते हैं आखिर ये फिल्म कब रिलीज होती है। आठवें नंबर फिल्म है सिंघम 3। जी हां, सिंघम 3, जिसे 2019 तक रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्टर रोहित सेठी होंगे।
अजय देवगन और कटरीना कैफ की जोड़ी हमें सत्संग फिल्म में देखने को मिलेगी, जो 2021 तक रिलीज किया जाएगा। के बाद प्रकाश झा कर रहे हैं राजनीति 2 की तैयारी, जो 2022 तक हमें दिख सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके सामने अजय देवगन की कुछ बड़ी फिल्में जो बॉलीवुड में इतिहास को तोड़ने के लिए आ रही है।